दोस्तों फास्ट टैग अब खत्म होने वाला है, आपने एकदम सही सुना, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने फास्ट टैग को एक न्यू एज टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने का ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया है। चलिए समझते हैं कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी। दोस्तों यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि जल्द ही सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। इसके अंडर हाईवेज पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। हाईवेज पर लगे ये कैमराज डिफरेंट लोकेशंस पर आपकी नंबर प्लेट को रीड करते रहेंगे। इसके बाद आपकी कार ने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके हिसाब से टोल टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाएगा और ये टोल टैक्स डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। पर आखिर ये टेक्नोलॉजी फास्टैग से अलग कैसे है? तो फास्टैग RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें आपकी गाड़ी पे लगे फास्टैग कार्ड को टोल प्लाजा पर लगा RFID रीडर डिटेक्ट करता है और फास्टैग अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन न्यू सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम इंप्लीमेंट होने पर टोल प्लाजा की जरूरत ही नहीं होगी, यानी समय की बचत। फास्टैग में आप कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करें, लेकिन अगर आप टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो आपको पूरा टैक्स देना होता है, जबकि नई टेक्नोलॉजी में आप उतने ही डिस्टेंस का टोल देंगे जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है, यानी पैसे की बचत। फास्टैग अकाउंट को रेगुलरली रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी में टोल टैक्स डायरेक्टली बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा। हालांकि अभी ये एक ब्लूप्रिंट है, हो सकता है कि फाइनल वर्जन में और भी कुछ चेंजेस हो। तो दोस्तों ये थी कहानी न्यू टोल कलेक्शन टेक्नोलॉजी।